समय बिहार से आए हैं इंजीनियर राज ओझेर, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा आज का जो इवेंट। सर, बहुत ज़बरदस्त अनुभव रहा है मेरा। पहली बार मैं देश से बाहर गया हूँ, भारत से बाहर पहली बार अपने देश को रिप्रेजेंट करने की खुशी होती है, वो अलग ही होती है। और यहाँ पर मुझे कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इंसान जब घर पे रहता है तो वहाँ का मेढक रहता है, जब बाहर निकलता है तो कहा जाता है कि सही दाल चावल का भाव पता चलता है कि आपका औकात कितनी है, आप कितने पानी में। यहाँ पर आने के बाद लगा कि दुनिया में है लोग हैं जो सचमुच वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है लेकिन वर्क हो रहा है। और वो कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला, एक बड़े स्कॉलर लोग यहाँ पे आए, उनकी बातों को सुनकर एक एनर्जी लेकर मैं जा रहा हूँ। उस एनर्जी का इस्तेमाल मैं अपने लाइफ में करूँगा और डेफिनेटली हम उसका बड़ा अचीव करेंगे। जो एच पी जी 2040 है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आपकी, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से एच पी जी को प्रमोट कर रहे हैं? देखिए सर, जहाँ तक मैं जो जनरली आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट में काम करते हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट होने के नाते मेरा वर्क ही होता है, मैं बात भी करता हूँ कि नेचर को कैसे बचाया जाए, और इस तरह का प्रोग्राम एक अहम रोल प्ले कर रहा है। जब तक यूथ में अवेयरनेस नहीं आएगी, देश का दुनिया नहीं बदलेगा। तो चांद इलाकी साहब जो कि चेयरमैन मातृभूमि के, तो उनके माध्यम से जो प्रोग्राम हुआ है तो उनके माध्यम से क्रांति लाने का प्रयास किया गया। मंत्री माननीय मंत्री भी यहाँ पे आए थे जो कि यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं। डेफिनेटली आज से बात जो मुझे लगता है कि नेपाल की जो है हवा बदलेगी, फिजा बदलेगी, और इसके होते हुए दुनिया की जो है हवाएं बदलेगी। आइए।